अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खान मम्मी किचन में वेलकम, खुश आमदीद फ्रेंड्स। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफ्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बकरे के मटन का खीमा बना के ले लिया है। ये 3 किलो खीमा हमने कोफ्ते के लिए लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पिसा हुआ धनिया, ये देखिए अखा धनिया पाउडर, इसको हमने अखे धनिया को पीस के ले लिया पाउडर बनाकर। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है अदरक का पेस्ट फ्रेंड्स, ये देखिए ज़ीरा पाउडर, ये भी अदरक का पेस्ट है फ्रेंड। दोनों एक साथ मैंने निकाल कर रख दिया था, दो डब्बे बना के मैंने रखा है फ्रेंड्स। ये सौंफ है, ये देखिए ये सौंफ का पाउडर है, ये देखिए फ्रेंड्स ये काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेंड्स, ये है हरी मिर्ची का पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट है फ्रेंड वो। अब फ्रेंड ये है हमारे खीमे। चलिए कुछ मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखिए लहसुन का पेस्ट एंड लाल मिर्ची पाउडर, ये नमक फ्रेंड्स हमने ले लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खीमा, खीमा हमारा फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह से बारीक कुटा लिया। आप फ्रेंड्स चाहें तो मशीन का खीमा कुटा हुआ ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है फ्रेंड। देखिए मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, देखिए फ्रेंड्स मैं 5 चम्मच धनिया का पाउडर डालूंगी क्योंकि मेरा स्पून छोटा है और टीस्पून है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सौंफ का पाउडर, और अब फ्रेंड्स ये काली मिर्च का पाउडर फ्रेंड्स। अब इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, लहसुन का पेस्ट मैं ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ले लिया। अब मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, ग्रीन चिल्ली पेस्ट 2 स्पून एंड सॉल्ट, ये हस्ब ज़ायका, आप अपने हिसाब से कोई नमक डाल सकते हैं फ्रेंड्स कम ज़्यादा। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, मैं हर काम बिस्मिल्लाह करके ही शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह इसे मिला लेना है। मेरा खीमा थोड़ा मोटा है, जिस तरह के हम लोग खीमे का सालन बनाते हैं या खीमा गोश बनाते हैं उस तरह का, बट मैं उसी में बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने, ये है बेसन चने मसाले का पाउडर है, बट बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं है और ये एकदम पाउडर जैसा होना चाहिए, इस तरह से जिस तरह बेसन हमारा ओरिजिनल बेसन जो हम दुकान से रेडीमेड खरीद कर लाते हैं वैसा, बट ये थोड़ा हल्का दरदरा मुझे लग रहा है। मगर फ्रेंड्स देखिए, आप जैसे देख सकते हैं इसमें बारीक बारीक दरदरापन दिख रहा होगा गोश्त में। मगर फ्रेंड्स कोफ्ता क्योंकि मेरा अगर मशीन का पिसा हुआ होता तो फ्रेंड्स मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं डालती, ना मैं इसमें चना पाउडर डालती और ना मैंने इसमें कुछ और शामिल करना था, क्योंकि माशाल्लाह से ये अगर मशीन में पिसा हुआ होता तो ये ऑलरेडी बिल्कुल चिपका सा स्टिकी सा होता तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा निकाल लिया है कबाब बनाने के लिए, अभी तो
अभी ये देखिए कोथमीर इसमें डालकर मैं इसका कबाब बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा ये अलग से मैं कबाब के लिए मिला कर रख दूँगी। देखिए पुदीना भी मैंने डाला है इसमें, और अब ये सारे मैं मिला कर कबाब के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स ये हमारे खाने के लिए हम लोग बनाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये भी मैंने कीमा कबाब के लिए लिया है। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये कबाब के लिए, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर कोथमीर भी डाल दिया है। ये कोफ्ते का कीमा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉलफ्लावर डाला है, क्योंकि मुझे बेसन बिल्कुल बारीक ज़्यादा नहीं लग रहा था, दरदरा सा लग रहा था, इसीलिए मुझे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करना पड़ा। अगर जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स लॉकडाउन का वक्त है, फ़ौरन तो कोई चीज़ मिलती नहीं अगर आपको कोई काम करने में वक्त लग जाए तो, सो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना पड़ा। बट इट्स माई सजेशन कि अगर आपका कीमा सूखा है और अगर मशीन का पिसा हुआ है तो आपको कॉर्नफ्लावर या बेसन या कॉर्नफ्लावर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपका। वो अगर मशीन का पिसा हुआ होगा तो ऑलरेडी एकदम अच्छा सा कोफ्ता तैयार होगा। बट क्योंकि ये देखिए ये इस तरह से पिस गया, फूटा हुआ था, देख सकते हैं आप कितना बड़ा बड़ा है इसका गोश्त। बस इसी वजह से मुझे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करना पड़ा है। फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, बस अच्छी तरह से मुझे इसको मिला लेना है। और उसके बाद में ये देखिए अब मैं इसको लपेट रही हूँ और मैं इसको मुठिया बना लूँगी, जैसे कि कोफ्ता बनाना रहता है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं लोग कई लोग इसको कई तरह के से नाम देते हैं, जैसे कि कोई इसे बोरी भी बोलता है, कोई मुठिया बोलता है, और हम इसे कोफ्ता बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने और बना लिया है, इसी तरह से बना बना कर इसे हमें रखना है, और इस तरह से हम इसको लपेट के बना बना कर, देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे इसी तरह बना लेने हैं। और सारे बनाकर देखिए अब बिल्कुल अच्छी तरह दबा दबा कर बनाना है, कहीं भी खुला नहीं छोड़ना है, नरम नहीं रखना है कि किसी तरह से खुल जाइए, बिल्कुल नहीं, और इंशाल्लाह नहीं खुलेगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से मैंने इसे हम बनाते हैं। फ्रेंड्स आपने जैसे कि मेरे पहले की वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने कोफ्ता की वीडियो डाला था, चिकन चीज़ी कोफ्ता, तो वो चिकन का था फ्रेंड्स, अभी ये मटन का कोफ्ता है। देखिए फ्रेंड्स इसे इसी तरह से अच्छे से लपेट लपेट के हमें बनाते जाना है। फ्रेंड्स आप सभी को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत, ईदुल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए, आपकी दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह हर मोमिन को अच्छे रखे। देखिए फ्रेंड्स सब कोफ्ता तैयार हो गया है मेरा, ये मैंने बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कोफ्ते बना लिए माशाल्लाह से। ये देखिए ये मेरी बहन मेरे हेल्प करा रही है बनाने में, ये देखिए कितना अच्छा सा बनाई है वो भी। और फ्रेंड्स अब ये थोड़े से कीमे मैंने बचा लिए हैं, ये देखिए इसके मैं अभी ये कोफ्ते बना रही हूँ, और अब ये हमारे तैयार हो गए पूरे कोफ्ते। ये देखिए बड़ी तरह से हमें इसको रख देना है, और अब हम इसमें इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फ्रिज में रख दिया है इसको आधे घंटे के लिए सेट होने, आप एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब फ्रेंड्स चलिए अब इसे हम
गैस पर रख देते हैं। हमारा आधा घंटा पूरा हो गया और अब इसको मैंने फिर गैस पर रख दिया है। देखिए हल्का हल्का इसमें भाप आना शुरू होने लगा है। ये पहले मैंने देखिए फ्रंट में मीडियम फ्लेम पर ही इसको कर रही हूँ, फास्ट फ्लेम नहीं कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ढक्कन लगाकर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भाप लगने दिया है। ये देखिए ढक्कन लगा के इसे भाप लगने दिया है। ये देखिए अभी फ्लेम मैंने फास्ट किया है फ्रेंड्स, ये पानी छोड़ दिया। देखिए हमारा ये कीमा ये एसी में उबलेगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से, ख़तरनाक तरीके से उबल जाएगा और फूटेगा भी नहीं। इंशाल्लाह आप ज़रूर देखना। देखिए फ्रेंड्स कितना पानी इसके अंदर छोड़ा है गोश्त ने, और ये अपने ही पानी में पक रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ा है हमारे गोश्त ने। अब मैं इसे थोड़ा सा, बिल्कुल चलाना नहीं है फ्रेंड्स हमें इसे, इसे उछाल कर हमें चेक करना है कि कहीं चिपके नहीं लगे नहीं बोल के। ये देखिए बड़ी तरह से उसे हमने उछाल लेना है, जितना भी छूटेगा इस तरह से वो अपने आप छूटता जाएगा। इसे उछाल के लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, ये मेरी मम्मी है किचन है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स अब ये कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल टूटे नहीं हैं, ये देखिए बिल्कुल टूटे नहीं हैं, सब अच्छे हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। फ्रेंड्स बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप इसे बनाकर आप इसे फ्रिज में एक महीने के लिए भी रख कर इसे फ्राई कर करके खा सकते हैं। आप चाहें तो कोफ्ते को सालन बनाकर सालन में कोफ्ते का सालन भी बनाकर इसे खा सकते हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह से, और बहुत ही खुशबू ख़तरनाक इसमें आ रही है। देखिए फ्रेंड्स कोफ्ता मेरा तैयार हो गया है, आप इसे चाहें तो फ्राई करके भी खाएं, और अगर ऑयली जो नहीं खाता है तो वो इसी तरह से भी बनाकर खाएं। ये बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल इसमें फैट नहीं है, आप इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाकर खाएं, इसे बहुत ख़तरनाक टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स आपको मेरी भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी कोफ्ते की अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलना। फ्रेंड्स हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ अच्छी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।